हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आज बहुत एक खुशखबरी निकल कर आई है। एनटीपीसी की न्यू वैकेंसी आई है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन की वैकेंसी आई है, जो आपको रायपुर छत्तीसगढ़ की है। और यह आपको टोटल आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी है। आईटीआई और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसी है। इसमें आपको जो वैकेंसी निकली है वह टोटल पोस्ट अगर देखिएगा तो टोटल पोस्ट की संख्या है 79। टोटल पोस्ट 79 है। उसके बाद आपको ब्रांच वाइज आपको सीट को डिवाइड किया गया है। सबसे ज़्यादा अगर सीट देखा जाए तो आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के लिए है। इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल जो पोस्ट है वह 30 है और बाकी यूआर के लिए 40 है। यूआर यानी कि जो जनरल में आरक्षित आते हैं 10% वाले, उनके लिए 3 है। एससी के लिए 3, एसटी के लिए 9, ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर के लिए 1 और टोटल पोस्ट है 30। कैटेगरी वाइज बांटा गया है। उसी तरह आईटीआई फीटर ट्रेनर्स के लिए भी है। टोटल पोस्ट 16 है, 16 है और कैटेगरी वाइज डिवाइड किया गया है। उसी तरह आईटीआई इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का है। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में टोटल 12 पोस्ट है और आपको कैटेगरी वाइज विभाजित किया है। जनरल का 7 है, यूआर कैटेगरी में जो 10% वाले 1 हैं, एसटी का आपका एससी का 1 है, एसटी का 3 है। टोटल पोस्ट 12 है। उसी तरह असिस्टेंट ट्रेनर्स का जो है 5 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज आपको विभाजित है। लैब असिस्टेंट केमिस्ट्री का जो पोस्ट है वह 6 पोस्ट है, कैटेगरी वाइज विभाजित है। उसमें 2 पोस्ट डिप्लोमा वाले के लिए भी है, डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और डिप्लोमा मैकेनिकल। तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में भी 5 पोस्ट है और डिप्लोमा मैकेनिकल में भी 5 पोस्ट है, यानी कैटेगरी वाइज आपको विभाजित है। कह सकते हैं आईटीआई का जो वैकेंसी है वह सबसे ज़्यादा है, डिप्लोमा ब्रांच की वैकेंसी कम है। आईटीआई में 4 ट्रेड से आपको वैकेंसी है, ठीक है। अब उसके बाद आगे हम बात करते हैं पे ग्रेड का। तो मैं बता दूं आपको, आईटीआई में 2 साल ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा और जिसका बेसिक स्टाइपेंड के रूप में 21,500 देगा। उसके बाद 2 साल के बाद आपको जो होगा वह बेसिक जो है वह आपको सभी फैसिलिटी दिया जाएगा। 2 साल पहले एनटीपीसी में 1 साल रखा जाता था जिसका आपको स्टाइपेंड 11,500 मिलता था, लेकिन 7 पे कमीशन के अनुसार से स्टाइपेंड जो है आपको 21,500 दिया जाएगा और 2 साल ट्रेनिंग के लिए रखा जाएगा। ये परमानेंट जॉब है, ऐसा नहीं है कि 2 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। वहीं अगर डिप्लोमा के लिए देखा जाए तो डिप्लोमा के लिए आपको 24,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। इसको भी 2 साल के लिए आपको ट्रेनिंग के रूप में रखा जाएगा। एज लिमिट की बात अगर करें तो आपको आईटीआई का जो है एज वह मैक्सिमम आपको 37 दिया गया है, 37 है, 37 ईयर दिया है। और यहीं डिप्लोमा के बात करें तो मैक्सिमम आपको जो दिया है 35 दिया है। उसके बाद देख लेते हैं आईटीआई फीटर ट्रेड। तो 10th प्लस फुल टाइम रेगुलर आईटीआई कोर्स एनसीबीटी और एससीबीटी दोनों वाले यहां अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह इलेक्ट्रीशियन में भी है 10th पास और फुल टाइम रेगुलर कोर्स इलेक्ट्रीशियन से होना चाहिए और एनसीबीटी या एससीबीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसी तरह आईटीआई मैकेनिक ट्रेनर्स के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए तो 10th पास और रेगुलर आईटीआई कोर्स होना चाहिए और ये भी एनसीबीटी एससीबीटी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट ट्रेनर्स का जो वैकेंसी है, फुल टाइम ग्रेजुएट इंग्लिश टाइपिंग 30 का मांग रहा है, ठीक है, पर मिनट, यह भी आपको। उसके बाद लैब असिस्टेंट जो है वह फुल टाइम बीएससी केमिस्ट्री से होना चाहिए। डिप्लोमा ट्रेनर्स के लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल वाले के इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल वाले के मैकेनिकल ब्रांच होना चाहिए। अब उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, आगे दिया हुआ है इस सब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाँ, फॉर्म जो आपको ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है वह ऑनलाइन 1 अगस्त 2019 से स्टार्टिंग है।
1 अगस्त 2019 से स्टार्टिंग है, लास्ट डेट जो है 31 अगस्त 2019 तक है। उसके बाद कह रहा है कि आपको रिटन टेस्ट का डेट जो है, यानी कि टेस्ट एग्ज़ाम का जो डेट दिया है, लास्ट वीक सितंबर, यानी सितंबर टेंटेटिव यानी अनुमानित डेट दिया गया है, सितंबर में एग्ज़ाम डेट भी आपका होगा। उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वह अक्टूबर के 3rd वीक में होगा। उसके बाद दे रहा है डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, अच्छा सेकंड के लिए, स्किल टेस्ट के लिए जो होगा वह नवंबर के 3rd वीक में होगा। डेट ऑफ द स्टेज टेक्निकल स्किल टेस्ट, टेक्निकल स्किल टेस्ट जो होगा वह दिसंबर आपको 2nd वीक में होगा। यह आप पहले वैकेंसी के बारे में, क्या है एज लिमिट, कितनी वैकेंसी है और किस डेट से किस डेट तक अप्लाई किया जाता है। NTPC में भी बहुत अच्छी वैकेंसी है आपको, और 2 साल के ट्रेनिंग के बाद आपको सारी फैसिलिटी आपको दिया जाएगा। ये वैकेंसी आप लोग अप्लाई करिए, अप्लाई करने के बाद टेक्निकल क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़िए, आपकी सारी कोर्स को अवेलेबल PDF के रूप में आपको फिटर टर्नर मशीन सभी ट्रेड का भी आपको PDF प्रोवाइड करवाया जाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।